प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, पहले मेन खेल है फ्रैक्शन को तैयार करना। अगर आपको फ्रैक्शन तैयार करने आ गया तो इसके मैक्सिमम काम आपके लिए आसान होगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए परसेंटेज का मतलब होता है 100। 1% अगर लिखना होगा तो इसको लिखेंगे 1/100। 10% लिखना होगा तो इसे हम लिखेंगे 10/100। 20% लिखना होगा तो इसे लिखेंगे हम 20/100। अब क्या है कि अब दो चीज होता है, एक होता है लाभ और दूसरा होता है अधिक। इंग्लिश में इसको प्रॉफिट या मोर यूज करेंगे। इस कंडीशन में मेन फ्रैक्शन चलता है 100/100 और लाभ की स्थिति में इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे 1% लाभ का मतलब 101/100, 10% लाभ का मतलब 110/100, 20% लाभ का मतलब 120/100। अब यही चीज हानि में चलेगा। हानि या कमी का सेंस होता है, हानि या कमी का सेंस। मेन फ्रैक्शन 100/100 होता है, उसी में से घटा दिया जाता है। तो 1% कमी का मतलब 99/100, 10% कमी का मतलब 90/100 और 20% कमी का मतलब 80/100। अब इसमें कुछ देखना है, जैसे ज्यादा फॉर्मूला नहीं लेकिन बेसिक फॉर्मूला खाली। लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी, लाभ परसेंट हो गया। हानि परसेंट, हानि परसेंट होता है हानि गुने 100 और बटा में फिर यहाँ भी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी। लॉस परसेंट होता है लॉस इंटू 100 बाई सीपी। एक और होता है छूट देना पड़ता है, छूट परसेंट, छूट को बट्टा बोलते हैं और बट्टा को डिस्काउंट बोलते हैं। तो छूट परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंट होगा छूट गुने 100 और बट्टा में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी, एमआरपी। छूट का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट इंटू 100 बाई एमआरपी। इस चीज से हम लोग पूरे सवाल को पढ़ेंगे, इसको उतारा जाए। बेसिक क्वेश्चन में 4 सवाल आपसे बनाए जाएंगे, उन चारों सवाल को अच्छे से आपको आना चाहिए। जैसे देखिए पहला सवाल होगा ना कि मैं कोई शर्ट खरीद रहा हूँ 1000 रुपया में, खरीदा हूँ तो क्रय मूल्य होगा, बेचा हूँ तो विक्रय मूल्य होगा, दाम अगर लिखा हुआ है तो अंकित मूल्य यानी एमआरपी कहलाएगा। तो खरीदा हूँ 1000 में, मैं चाहता हूँ कि मुझे 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, तो मेरा विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या होगा। बात को समझिएगा, हर हाल में सिर्फ फ्रैक्शन बना के रखेंगे, फ्रैक्शन बना करके तैयार कर लेंगे। दो क्लास फ्रैक्शन बना करके करेंगे, दूसरा क्लास के बाद फ्रैक्शन डायरेक्ट आपको मन में बैठ जाना चाहिए। तो देखिए 10% लाभ का मतलब होता है 110/100, काटेंगे तो 11/10, ठीक है, 10% लाभ, यही ना होता है। अब आपको डिसाइड करना है ना कि अगर मैं 1000 रुपया में खरीद के लाया और मुझे लाभ चाहिए तो मैं इसे बेचना चाहता हूँ, तो मैं 1000 से ज्यादा में बेचूंगा कि कम में? ज्यादा में। तो इसमें ज्यादा वाला फ्रैक्शन कौन है, 11/10, तो ये ऊपर रहेगा, मतलब जो आपको चाहिए वो ऊपर हो जाएगा, जो आपको चाहिए वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो 1000 का शॉर्ट था, हम 11/10 पर हम इसे बेचेंगे तो आ जाएगा 1100 रुपया में ये शॉर्ट बिक जाएगा। फिर से 1000 रुपया में खरीद के लाए हैं, 10% लाभ चाहिए, विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या होगा। तो देखिए 10% लाभ 110/100, काटे तो 11/10 आया। अब हमको डिसाइड ये करना है कि अगर मैं खरीद के 1000 में लाया हूँ और अगर मैं इसे बेचना चाहता हूँ, लाभ चाहता हूँ, तो मुझे 1000 से ज्यादा में बेचना चाहिए, तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन को हम ऊपर कर देंगे और ऊपर करेंगे आंसर आ गया। दूसरा, मैं 1000 में ही खरीद करके शर्ट लाया हूँ लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि मुझे हानि हो 10% का, तो 10% का हानि हो तो मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% हानि का मतलब 90/100, 9/10। अब बताइए मुझे कि मैं 1000 में लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे नुकसान हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे नुकसान हो, तो मुझे ज्यादा 1000 से ज्यादा में बेचना चाहिए कि कम में? तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखेंगे।
तो 1000 का 9 बटा में 10 काटेंगे आंसर 900 रुपया में ये सामान बिक जाएगा। इसका रिवर्स समझिएगा, मेन खेल इसका रिवर्स फॉर्म है। रिवर्स जैसे मैं 1100 रुपया में शर्ट को बेच दिया हूं और बाद में मुझे पता चला कि मुझे 10% का लाभ हुआ है, तो मेरा क्रैबुल यानी सीपी क्या होगा? ध्यान से ई समझिएगा, मैं 1100 में बिक गया, बेचने के बाद मुझे 10% का लाभ हुआ, तो मैं खरीद करके कितना में लाया था ये पूछा गया, तो मैंने फ्रैक्शन बनाना बोला और फ्रैक्शन ही बनाएंगे। 10% लाभ 110 बटा 100 फ्रैक्शन बना के रेडी रखेंगे, काटेंगे 11/10। अब इतना हमको समझाइए कि 1100 में मैंने कुछ बेचा और मुझे लाभ हुआ है, फायदा हुआ है, तो मैं वो चीज 1100 से ज्यादा में खरीद के लाया था कि कम में? कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे। कम कौन है? 10। तो 1100 का 10 बटा में 11 से काटेंगे 100 बार में, 100 बार में खरीद के कितना में लाए थे? 1000 में। रिवर्स समझिए, 900 रुपये में मैंने किसी शर्ट को बेच दिया, 900 रुपये में मैंने किसी शर्ट को बेच दिया, बेचने पर मुझे 10% का हानि हो गया, तो बताओ मेरा क्रैमुल यानी सीपी क्या था? तो 10% हानि का मतलब होता है 90/100। अब हमको बताइए कि 900 रुपया में वो सामान बिका, 900 रुपया में वो सामान बिका और मुझे हुआ है नुकसान, तो मैं खरीद करके 900 से ज्यादा में लाया था कि कम में? ज्यादा में। ज्यादा में, ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर दीजिएगा, तो 900 का ज्यादा वाला फ्रैक्शन ऊपर यानी 10 ऊपर, तो 10/9, 9 से काटेंगे 100 बार में, आंसर कितना आएगा? 1000 में खरीद करके लाए थे। अगर इस फ्रैक्शन को आप समझते हैं तो प्रॉफिट लॉस आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है, रिवर्स फॉर्म वाला बता दे रहा हूं, कि मैंने अपना रेडियो 450 रुपया में बेच दिया जिससे मुझे 20% का नुकसान हुआ, मेरा क्रैमुल बताइए। तो देखिए आप क्या किए ना कि 450 ऊपर ले लो, आप क्या किए हैं कि 480 रुपया में आप बेच दिए, बेचने पर आपको 20% नुकसान हुआ। 20% नुकसान का मतलब होता है 80/100, काटेंगे तो 4/5। अब हमको सिर्फ इतना बताइए कि 480 में मैं बेचा और हमको हुआ नुकसान, तो हम खरीद करके 480 से कम में लाए थे कि ज्यादा में? ज्यादा में। तो ये ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर करिए, पहुंच गए 5/4, 12 चौके 48, 12 5 60। आप देखिए कितना में लेके आए थे, आप 600 में खरीद करके लाए थे और बेच दिए 480 में, नुकसान तो होगा ही। छह नंबर क्वेश्चन था आपका, एक 4 नंबर एक और बता देता हूं, नंबरिंग खाली कर लेंगे। एक वस्तु 450 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, वस्तु का क्रयमूल बताएं। यानी 450 में मैं बेच चुका हूँ, 20% का लाभ हुआ है, 20% लाभ मैंने 120/100 यानी 6/5। अब बताइए हमको, 450 में बेच दिया, बेचने पर हमको हुआ है फायदा, तो हम खरीद के 450 से ज्यादा में लाए थे कि कम में? तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर दीजिए, 450 में बेचे, 450 में बेचे 25% का लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य 25% का लाभ हुआ है, 25% लाभ माने 125/100 यानी 5/4। अब बोलिए 450 में बेचा हूँ, फायदा हुआ है, तो खरीद करके 450 से ज्यादा में लाए थे कि कम में? कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर करिए, 4/5, 5 9 45, 9 4 36। देखिए आप खरीद के लाए थे 360 में और आप बेच दिए 450 में, लाभ तो होगा ही। ठीक, फिर अगला क्लास में आप लोग भी बनाएंगे। देखिए एक वस्तु को 720 रुपया पर बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ होगा?
तो पहला काम है फ्रैक्शन बना के रखिए। हम दो तीन तरीके से इसको बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप सॉल्व करिएगा। देखिए 720 रुपया में मैंने बेचा, मुझे 10% का नुकसान हुआ, 10% नुकसान मतलब 90/100। मैं चाहता हूँ 20% का लाभ हो, 20% लाभ मतलब 120/100। फ्रैक्शन पहले बना करके तैयार कर लेंगे। और अब सवाल इसमें दो दो गो बन रहा है कि 720 में बेचे 10% नुकसान हुआ, हम चाहते हैं 20% का फायदा हो, कितना में बेचे। तो स्टेप बाई स्टेप समझ लीजिए। पहले ऐसे सवाल में आपको ये देखना है कि हम खरीदे कितने में। आप हमको बताइए, समझाइए कि 720 में मैं बेचा हूँ, मुझे हुआ है नुकसान, तो हम खरीद के 720 से ज्यादा में लाए थे कि कम में? ज्यादा में। तो ये ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर करें, 10/9। हाँ, काटेंगे तो 10/9 ही हो जाएगा, 10/9, 9 8 72। देखिए आप कितना में लेके आए थे, आप 800 में लेके आए थे, 800 में लेके आए थे, 720 में बेचे, नुकसान तो होगा ही। अब आप फिर से बेचने चल रहे हैं, यानी आप 800 में लेके आए हैं और अभी चाहिए आपको फायदा, अभी चाहिए आपको फायदा, तो बताइए 800 से ज्यादा में बेचेंगे कि कम में? तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर करेंगे, 120/100, 00 खत्म, 12 8 96, 960 रुपया में आपको बेचना होगा। अब इसी को देखिए एक लाइन में कैसे बनेगा। फ्रैक्शन मन में जब आप सीख जाएंगे तो ये आपके मन में चलेगा। तो है क्या कि मैंने 720 रुपया में बेचा, लाइन में सुनते जाइएगा, मैंने 720 रुपया में बेचा और मुझे हुआ है नुकसान, यानी हम खरीद करके ज्यादा में लाए थे, तो ये ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर कर देंगे, 100/90। ये हम खरीदारी पर पहुंच गए, यानी हम इसे खरीद करके जितना में लाए थे, नहीं काट रहा हूँ ऐसे ही देख रहा हूँ, जितना में मैं खरीद के लाया हूँ उतना पर मैं पहुंच गया, अब मुझे फायदा चाहिए। तो जितना में मेरा खरीदल है मैं उससे ज्यादा में बेचूं कि कम में? ज्यादा में। तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन को ऊपर करिए, 120/100, 00 खत्म, 9 8 72, 12 8 960 रुपया में आपको बेचना पड़ेगा। और तरीका देखिए, अगला 11 नंबर आगे देखिए, 720 रुपया में बेचे हैं, 10% का नुकसान हुआ है। अब ऐसे सवाल में 100 न लिख के देखिए, 90% को लिखा जाता है 90/100, तो हम 90/100 को 90% भी कह सकते हैं। 120% को लिखा जाता है 120/100, तो हम कह सकते हैं कि 120% है वो। तो हम ये बोलेंगे कि अगर मैंने 720 में बेचा, 10% का नुकसान हुआ, परसेंट में टोटल 100 होता है, 100% होता है, 100% में 10% नुकसान हुआ, 90% पर बेचा हूं ना, तो 90% पर मैं बेच रहा हूं और बेच रहा हूं 720 रुपया में, और हमको चाहिए 20% लाभ, यानी 120%। तो अभी क्या करेंगे ना कि 10% नुकसान का मतलब 90% ऐसे लिखेंगे, और 20% लाभ का मतलब 120% ऐसे लिखेंगे, और सवाल में 1% पर आएंगे, 1% पर आने का मतलब किसी भी परसेंट पर आराम से जाया जा सकता है। तो देखिए, मैं 10% नुकसान पर बेचूंगा तो 90% पर बिकेगा, और 90% पर जब मैं बेच रहा हूं तो 720 में बिक रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 90% का जो वैल्यू होगा वो 720 रुपया होगा, तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 720/90 होगा। हमें कितना परसेंट निकालना है? 120%। तो 1% निकाल लिया हूँ, तो अब जितना परसेंट चाहिए उतना से हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमें 120% चाहिए, गुना 120 करेंगे, आ गया 9 8 72 12 8 96, 960 रुपया में हमें बेचना पड़ेगा। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, 25% लाभ का मतलब 125%। फिर हमें क्या करना होगा? तो 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% हानि का मतलब 80%। ठीक है, सवाल 12 नंबर है, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचता हूँ, 25% का लाभ होता है, तो 25% लाभ का मतलब 125%। मैं चाहता हूँ कि ये 20% हानि पर बिके, तो 20% हानि का मतलब 80% पर बिकना चाहिए, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा?
तो जब मैं 125% पर बेचता हूँ तो ये 250 में बिकता है, 250। जब मैं 125% पर बेचता हूँ तो ये 250 में बिकता है, तो 1% पर जब मैं बेचूंगा तो 250 बटा में 125 पर बिकेगा। अब 101% का वैल्यू ले लाया हूँ, तो अब किसी भी परसेंट का वैल्यू आराम से लाया जा सकता है। तो हमसे पूछ रहा है 80% का वैल्यू, गुना 80 कर देंगे, आंसर आ जाएगा दो बार में 8 × 16, 160 रुपया में बेचना पड़ेगा। एक बार फिर से, 25% लाभ पर यानी 125%, फिर 20% हानि पर यानी 80%। 125% में बेचा हूं तो 250 में बिका, तो 1% पर 250 बटा 125, तो 80% पर गुना 80 करेंगे, आंसर आएगा 160। एक और सवाल देख लीजिए, 14 नंबर बता। यदि 280 रुपए प्रति खिलौने बेचने पर 10% का हानि होता है, 20% लाभ कमाने के लिए एक खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% हानि का मतलब होता है 90%, और 20% लाभ का मतलब होता है 120%। जब मैं 90% में बेचता हूं तो 280 में बिकता है, 90% का जो वैल्यू होगा वो 280 रुपया होगा, तो 1% का जो वैल्यू होगा वो 280 बटा में 90 होगा। हमें चाहिए 120% का वैल्यू, गुना 120 करूंगा, 12×9=108, 12×12=144 पर 10, यानी ये चीज हमें 1440 रुपया में बेच देना होगा। हो गया।